रेन वॉटर हार्वेस्टिंग चा वापर करूया, यंदाचा उन्हाळा सुसह्य करूया। पावसाच्या पाण्यापासून रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पद्धतीनं जवळपास 50,000 लिटर पाण्याची आपण बचत करू शकतो। 5 लोकांच्या कुटुंबाला दरवर्षी 5,000 ते 10,000 लिटर पाण्याची गरज असते। छतावर कनेक्शन देऊन पाईप मध्ये थोडेसे बदल करून आपण या पद्धतीचा वापर करू शकतो। चला तर मग आपल्या या वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर कसा करता येईल ते पाहूयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून। तेव्हा आजच रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प समजावून घेऊया आणि पावसाच्या पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळूया। जाणून घेऊयात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग कसं करावं। आपल्या घराच्या छतावर पावसाचं पाणी एकत्रित करण्याची सुविधा करा। छतावरून स्टोरेज टँक कडे येणारे सर्व पाईप जोडा। एकत्रित केलेले पाणी स्टोरेज टँकला जोडा। या पाईप मध्ये फिल्टर जोडणे आवश्यक आहे। पर्कोलेशन टाकीत आउटलेट उपलब्ध करून द्या। ओव्हरफ्लो झालेल्या पॉइंट करता पर्कोलेशन पीट उपलब्ध करा, जेणेकरून भूजल भरण्यास मदत होईल। ये आज जो प्रोग्राम हुआ है, ये कुछ पाबंदियों के तहत हमने इसको बहुत शॉर्ट किए थे, नहीं तो खाली अरशद साहब आ रहे बोले तो पूरा सोलापुर शहर जाम हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और अमन के साथ, शांति के साथ यहाँ पर आए, इस प्रोग्राम को कामयाब किए। और मैं साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनका भी बहुत कोऑपरेशन रहा है। हमारे प्रेस के बंधुओं का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हमेशा ये लोग हम लोगों को कवर करते हैं, तो सबका शुक्रिया। आखिर में बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मुझे अपना भाई समझ के मौका देना भाई। मैं कोई नेता वेता नहीं भाई, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ। मेरी कोशिश यही है जो सदर साहब ने सिखाए हैं कि हम में से लीडर पैदा होना चाहिए, हमारी क़यादत मजबूत होना चाहिए। आपने देखे होंगे आज से पुराने जो भी थे, सब जैसा चलता था क्या हुआ है। मैं भी मानता हूं हमारी पार्टी की भी कुछ गलतियां हो सकती है, कहीं ना कहीं हम भी चूके होंगे, लेकिन इस बार नया दौर नई शुरुआत करने के हिसाब से एक बार फारूक शादी पे भरोसा करिए। फारूक शादी जिन लोगों को चुनकर आपके बीच में भेजेगा उनको कामयाब करिए। ये मैं जिम्मेदारी लूंगा इनके जीतने के बाद कि ये लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फारूक शादी बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज आज आप सबके सामने बोल रहा है कि वो मेरा फर्ज होगा, मेरी जिम्मेदारी होगी, आप मुझसे पूछ के काम करा के ले सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक मर्तबा भरोसा करना पड़ेगा, और भरोसा करके हम लोगों को जिताकर कॉरपोरेशन इलेक्शन है उस वहां नगर पालिका में भेजना पड़ेगा। अल्लाह ने चाहा ये फाउंडेशन है, ये